मंदिर में मूर्ति चोरी व खंडितों का मामले का खुलासा। 2 साल में मंदिरों में की गई 7 वारदातों को कबूला, आरोपी दबोचा। जयपुर पावटा, रानोता मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति व सिंहासन चोरी करने वाले व मंदिरों में मूर्तियों को चोरी कर खंडित करने वाले अभियुक्त को प्रागपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 2 साल में कस्बे के आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों में की 7 वारदातों को मूर्तियां चोरी कर खंडित करना आरोपी ने स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक शंकरदास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से मंदिरों में हो रही मूर्तियां चोरी कर खंडित करने की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए विशेष टीम गठित कर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर घटनाओं का खुलासा करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है एवं अभियान की सफलता हेतु प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी को चैलेंज के रूप में लेते हुए जिले के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। उक्त अभियान की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा व वृत्ताधिकारी कोटपुतली दिनेश कुमार यादव के दिशा निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वर्दी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 22 मई की रात्रि ग्राम राजनोता में मेन बाजार में बने राधा कृष्ण मंदिर का रात्रि में ताला तोड़कर मंदिर के अंदर से मूर्तियों को चुराकर कपड़े में लपेटकर ले जाना व मूर्तियों को नाले के पास तोड़कर फेंकना, दादुका नदी में ले जाकर पत्थर पर पटककर कृष्ण भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया, जिस पर पुलिस थाना प्रागपुरा 218 व 2021 धारा 295 757 380 22 मई 2021 को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जाकर मुलजिम की तलाश करते हुए प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश देते हुए घटना स्थल से साइबर टीम बुलाकर BTS ली गई एवं संदिग्ध नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई गई, मगर अभी उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। टीम द्वारा CCTV कैमरे के फुटेज एकत्रित किए गए। गठित टीम द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उसके बारे में जानकारी जुटाना प्रारंभ किया गया। अभियुक्त काफी चतुर व शातिर होने से मोबाइल का उपयोग नहीं करता था। टीम द्वारा गुप्त रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से एवं तकनीकी सहायता से अभियुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। एकत्रित की गई CCTV कैमरे फुटेज में अभियुक्त मूर्तियां कपड़े में लपेटकर ले जाता हुआ नजर आया, जिसमें CCTV फुटेज में अभियुक्त की पहचान हेतु व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया गया, जिससे आरोपी की पहचान की जा सके। परंतु अपराधी चालक किस्म का होने से उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर के बाल कटवा लिए एवं CCTV फुटेज में जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें अपने खेत में पानी की टंकी के पास छुपा दिए। इसके बाद अभियुक्त की तलाश करते हुए मुखबिर की सहायता से अभियुक्त के बारे में सूचना प्राप्त कर अभियुक्त को टीम द्वारा हर संभव प्रयास कर 23 मई 2021 को अभियुक्त विकास चौधरी पुत्र शंभु दयाल जाति जाट उम्र 24 साल निवासी खारियावाली डानी तन पातरेड़ी थाना सनरूट जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया। जाकर अभियुक्त से अनुसंधान कर पूर्व में की गई घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि 7 जुलाई 2019 को ग्राम दादुका में हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी व शिव पंचायत की मूर्तियों को तोड़ना स्वीकार किया, जिसका प्रकरण कोतपुतली थाने में दर्ज है। 11 जुलाई 2019 की रात्रि भांकरी गांव में गंगादास मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ना स्वीकार किया जिसका प्रकरण प्रागपुरा थाने में दर्ज है। 13 मई 2020 को ग्राम दादुका में शिव पंचायत मंदिर से गणेश जी की मूर्ति व अन्य शिव पंचायत की मूर्तियों को खंडित किया गया, जिसका प्रकरण कोटपुतली थाने में दर्ज है। 25 मार्च 2021 को मंडा गांव में रघुनाथ जी के मंदिर से रघुनाथ जी व जानकी की मूर्ति को मंदिर से चुराकर गांव के बाहर ले जाकर तोड़ना, नाले में पटकना स्वीकार किया, जिसका प्रकरण प्रागपुरा थाने में दर्ज है। 6 अप्रैल 2021 की रात्रि ग्राम मंडा में राधा कृष्ण मंदिर बस स्टैंड के पास राधा कृष्ण की मूर्तियों को मंदिर से चुराकर मंदिर के पीछे रोड पर लाकर मूर्तियों को तोड़ना व नाले में पटकना स्वीकार किया, जिसका प्रकरण प्रागपुरा थाने में दर्ज है। 18 मई 2021 को ग्राम पातरेड़ी में शिव जी के मंदिर से शिवलिंग को तोड़ना स्वीकार किया है, जिसका प्रकरण सनरूट थाने में दर्ज है। 21-22 मई 2021 की रात्रि ग्राम राजनोता में मेन बाजार में बने राधा कृष्ण मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर से मूर्तियों को चुराकर कपड़े में लपेटकर ले जाना, मूर्तियों को तोड़ना स्वीकार किया, जिसका प्रकरण प्रागपुरा थाने में दर्ज है। अभियुक्त ने 2 साल में करीब आसपास के क्षेत्रों में मंदिरों में की गई 7 वारदातों को अंजाम देना स्वीकारा है। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।